हे गाइस, शायद वीडियो लाने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं वो कब से चाह रहे हैं कि मैं एक वीडियो में सारी चीज़ों को रखूँ, क्योंकि यूट्यूब पर जो चल रहा है, जो हलचल चल रही है, उसमें मेरा ही नाम है और मेरे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो सारे लोग परेशान हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही हूँ। और इसका कुछ लोगों ने मतलब ही निकाला कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे चुप रहना मेरी गलती को दर्शाता है, मानती हूँ, और कुछ लोगों से मुझे माफ़ी मांगनी है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी सरिता से। जेठू भाई, सरिता, जिस समय आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा, उस समय मैं आपके साथ नहीं थी, और इस चीज़ के लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ ना, तो ये भी कम है, ये भी बहुत कम है। क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि जब घर की इज्जत उछलती है ना, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। और आपके घर की इज्जत उछली, और उतने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया, मैंने दोस्त होकर एक दोस्त का साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा गलत अगर किसी के साथ मैंने किया है, तो वो सरिता है। तो उसके लिए चेटू भैया, सरिता, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों से क्या बोलूं, लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि दोस्ती शायद मैं नहीं समझ पाई, मैं शायद दोस्त शब्द का मतलब नहीं समझ पाई, और इसलिए उस वक्त आपके साथ खड़ी नहीं हो पाई। जो भी था, जो भी कारण थे, वो कारण मैं नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके कारण नहीं मैं बोल पाई, लेकिन बस क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और आकांक्षा, अनूप, जिन्होंने मेरे पैर को अपने सर से लगाया था, तो उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जब उनकी बात आई थी तब भी मैं उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी। तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, आपने मुझे सर आँखों पर बैठाया और मैंने आपकी बात नहीं मानी। सरिता ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत, वो जिस लेवल पर जाकर मुझे समझा सकती थी उस लेवल पर गई, कि नहीं नेहा, समझ जा, मेरे लिए वो रोई है कि नेहा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मत कर, मत कर। लेकिन मैं पता नहीं किस चीज़ में अंधी थी, जो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने भरोसा शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया, और सरिता की बात को मैंने टोटली इग्नोर कर दिया, मैंने उसकी बात को माना नहीं। लेकिन सरिता ने मुझे बहुत समझाया था कि नेहा, ये सही नहीं है, ये पता नहीं क्यों, लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, सही नहीं है, तेरे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी थी, पर मैं नहीं मानी। तो सरिता, आज उसका अंजाम मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगत रही हूँ उसका अंजाम, कि जो मैंने तेरी बातें अगर मैंने उस समय मान ली होती ना, तो आज मेरी ज़िंदगी में ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तूने दोस्त के नाते, बड़ी बहन के नाते मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, आकांक्षा रूप ने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और मैं माफ़ी मांगती हूँ नीतू दीदी से, नीतू दीदी के घर वालों से, कि बहुत किया है दीदी आपने मेरे लिए, बहुत बहुत किया है। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी कि मैं कितना। तो नीतू दीदी भैया, निक्की भैया, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप लोगों का नाम जिस तरीके से बीच में आया, वैसे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपने हमेशा मेरा सपोर्ट ही किया है, मेरे को हमेशा साथ ही दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हो हमेशा, मेरे गार्जियन की तरह। और मेरी वजह से नीतू दीदी का नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है पब्लिक में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उनकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उनको घसीटा जा रहा है, उनको बीच में लाया जा रहा है, सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहती है, और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। सरिता ने, आकांक्षा ने, नीतू दीदी ने मुझे कहा था कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, क्योंकि ये भले ही तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आगे जाकर तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा, ये चीज़ें तुम्हें दिक्कत में डालेंगी। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना, मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसका अंजाम आज मैं बहुत अच्छे से, मैं और मेरा परिवार भुगत रहे हैं। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ये वो सारी चीज़ों को लगा सकती हूँ, लेकिन जिनको मुझे अच्छा समझना है, सही समझना है, वो सही समझेंगे, और मैं कितने ही प्रूफ दे दूँगी, जिनको नहीं समझना है वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। तो मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ अपने आप को साबित करने की बजाय मैं कानून का सहारा लेना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, कि मैं वहाँ पर अपने सबूतों को रखूँगी, मैं वहाँ पर, अगर आपके पास है तो आप रखिए, मेरे पास जितना था मैं उतना रखूँगी,
मैं जितना कर सकती हूँ मैं कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग ही करूँगी। मैं ऐसे वीडियो नहीं खेल सकती। ये कंट्रोवर्सी का पैसा, कंट्रोवर्सी की वीडियो मुझे नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से एक वीडियो डालूँ, सामने वाला चार वीडियो डाले, फिर मैं यहाँ से दूसरी वीडियो डालूँ जहाँ सामने वाला चार वीडियो डाले। ये मुझे नहीं करना है। मुझे कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं खेलना है कि मैं कम्युनिटी को डालूँ फिर उसके बाद मैं उसको डिलीट करूँ, फिर मैं किसी के लिए अपशब्द बोलूँ, फिर मैं मुझसे गलती हुई जो मैंने भरोसा किया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने रिश्तों पर भरोसा किया और एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दाव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि नहीं है सही, नहीं है सही, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीज़ें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं, झूठ बोली गई हैं कि मैं ऐसी हूँ। मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो इस चीज़ को अगर मैं मान भी लूँ कि मैं पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ, अब मैं बहुत दूर हूँ। तो तुम दोनों प्लीज़ खुश रहो। सचिन मनीषा, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। मैं अपने घर में हूँ, अपनी फैमिली के बीच में हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भाई अपने घर में रहो, खुश रहो, जो वीडियोज़ है साथ में डालो। और अब इस मामले को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि मुझे इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जाना है। मैं स्टार्टिंग से फैमिली कंटेंट डालती हूँ, कंट्रोवर्सी का हिस्सा मुझे नहीं बनना है। नाम मेरा बदनाम हुआ, नाम मेरा उछाला गया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इन्वाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं होता। मैंने आपको रोका, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आपको मेरे भाई की शादी में रोका, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी, मेरी गलती रही। और मैं आपके घर आई, आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं देखती रह गई। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ़ करी थी। ये तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कर्जे के महल पर मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर। वो आपको मुबारक हो, आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में, मैं रेंट के घर में रहती हूँ और मैं अपना रेंट देती हूँ, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं, हम बहुत हाईफाई नहीं है, हमारे पास नहीं है महल, हमारे पास नहीं है गाड़ी, हमारे पास नहीं है कुछ भी। इज्जत थी जो आपने भरे बाज़ार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जब आप माँ बाप बनेंगे ना, और आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, एक औरत के साथ ऐसा होगा, एक औरत की धज्जियाँ उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें। लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा, आपने तो उतना भी नहीं रखा, और इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियाँ उड़ाने के बाद में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने के बाद में, और मेरे साथ साथ जिनसे मेरी सगाई हुई है उनसे फ़ोन पर बात करके आपने जितनी चीज़ें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उनका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं था जिस चीज़ों में आपने उनको घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊँगा, तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। उस नाते आपकी बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दो। आपने और मनीषा ने जितना अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे लिए किया है, और रही एक बात, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, जो आपने बोली कि आपका इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल किया गया, सच में
सच में फाइनेंशियली आपने मेरा इस्तेमाल किया या मैंने आपका इस्तेमाल किया है? तो मैं ऑन कैमरा सब मेरा, मैं हाथ जोड़कर ही वीडियो बनाऊंगी, तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि सचिन जी, जितना पैसा मैंने आपको दिया है, आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि 2 साल से मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला। 2 साल मतलब जब से मैं आपको जानती हूँ, उसके 3-4 महीने बाद जो मैंने प्रमोशन किए थे, वो सारे प्रमोशन का पैसा, क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं था, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मुझे करवाना पड़ा। तो मेरा जो पैसा है, और मेरा जो फेसबुक का पैसा है, जो आपके अकाउंट में उतने टाइम आया, और जो बाद में आपने थोड़ा थोड़ा करके जो मुझसे लिया, तो आप प्लीज़ वो पैसा मुझे वापस कर दीजिए। फाइनेंशियली मैंने आपकी हेल्प की है, ना कि आपने मेरी परिवार की हेल्प की है। आपको वैष्णो देवी जाना था, भाई भाभी को लेकर जाना था, उनको उतने टाइम पर माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पहले के व्लॉग जाकर देख सकते हैं। उतने टाइम पर इंदौर में उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने मना किया था, वो आपके साथ नहीं गए, ना कि ये कि जाने तक के पैसे नहीं थे। यार इतनी तो हमारी लाइफ स्टाइल देख कर कोई जज कर सकता है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होंगे? इतना भी नहीं होगा हमारे पास? अरे थोड़ा तो मान रख लेते, थोड़ा सा। खैर छोड़ते हैं इस बात को। तो ठीक है, आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ। तो भाई आप मुझसे 100 कोस दूर रहिए, 100 कोस दूर रहिए। और रही बात कि मैं आपको वीडियो नहीं बनाने देती थी, तो एक क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप उस क्लिप को देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। उसी में था? अच्छा समझ गए। रुको, किधर से आओ? दीदी बनी, दीदी बने फोटोग्राफर। ऐसे करके थोड़ी आते हैं, वीडियो बनाना नहीं आता। हाथ नीचे करो, भैया पेमेंट करनी है ना। मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे सचिन मनीषा जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब इस टाइम पर जितने भी उनकी वीडियोस बनी थी वो मैंने ही शूट करी थी। उसके बाद भी आज मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं, मुझे बुरा लगता था इनकी वीडियोस बनती थी और मैंने इनको मना किया। तो यहाँ से, इस क्लिप से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये क्लिप आपने देखी, मैं वीडियो नहीं बनाने देती थी, ये उसका जवाब है। फाइनेंशियली आपने मेरी हेल्प नहीं की है, मैंने आपकी हेल्प करी है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और मनीषा, मैंने तुम्हारे पति को मैसूर नहीं बुलाया था, बल्कि इनकी ज़िद के कारण कि ये मुझसे मिलना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे कि नहीं बहुत ज़रूरी है, मुझे तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे कुछ बताना है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ों का, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हारा नुकसान होने वाला है, मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, प्लीज़ मुझसे मिलो, मुझे मिलना ही है। और मैंने तुम्हारे पति को सीधा स्पष्ट बोला था, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। अगर मैं इस बात में झूठ बोल रही हूँ तो ईश्वर देखने वाला है, वो सज़ा मुझे ही देगा। कम से कम सचिन, इतना मत गिरो, इतना झूठ मत बोलो। और मैसूर ना जाकर मैंने अपना खुद का 1.5 लाख का नुकसान किया है। मैसूर की ट्रिप मैंने कैंसिल करी, ना कि इस बंदे ने अपनी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करी थी, कि जमाने की टिकट कैंसिल करी थी। ये मिलने के लिए इतने ज़्यादा पागल हो रहे थे, क्यों पागल हो रहे थे? मनीषा तुम अपने पति से पूछ सकती हो कि ये मुझसे मिलने के लिए क्यों इतना पागल थे, इनको क्या दिखाना था, इनको क्या सबूत मुझे देना था जिसके लिए इन्होंने मुझे इतना प्रेशर दिया, मुझे ब्लैकमेल किया गया है, ये सही है? और अगर इस चीज़ को साबित करना पड़ा, अगर ऑन कैमरा भी करना पड़ा, तो मैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी। और अभी जो भी मेरी कार्रवाई चल रही है, अभी मैं उस पर मेरा फोकस है। एक बार वो सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि मैं, मुझे अभी अलाउड नहीं है कि मैं ऑन कैमरा ये सारी चीज़ों को बोल सकूं, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूं। बाकी सारे सबूत मेरे पास भी हैं, रिकॉर्डिंग हम भी करते हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास भी हैं, सही, हम भी अपने आप को साबित कर सकते हैं, डंके की चोट पर कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो मेरा पिछला था, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप ये जो सोशल मीडिया खेल रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। मेरे नाम की कोई वीडियो आप लोग मत डालिए। अब आप लोग अपना घर देखिए, परिवार देखिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता मेरा आपसे नहीं है। और मेरा एक सवाल है कि अगर आप सही हैं तो आपको इंडिया से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? आपको इंडिया से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। इस समय तो आपका मनीषा के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप मनीषा को छोड़कर चले गए,
आप इंडिया से बाहर क्यों गए, किस कारण गए हैं, क्यों? अगर आप सही हैं तो आपको यहीं रहना चाहिए था, ये मन में सवाल है। और जैसे मनीषा एक औरत है, वैसे मैं भी एक औरत हूँ। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। वीडियो एंड करने से पहले थैंक यू बोलूँगी मैं अलका को, पूनम को, जिनके पास जितनी जानकारी थी उस हिसाब से वो निष्पक्ष होकर लड़े और किसी के पक्ष में नहीं रहे, वो निष्पक्ष रहे। और इतना आप लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। इतना गट्स होना भी, सच बोलना और इस तरीके से लड़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। और मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ऑफ रखूँगी, क्योंकि मुझे नहीं जानना है जो मैं देख रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं दूसरों की वीडियोस पर, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इतनी जल्दी मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, इतनी नेगेटिविटी को फैला दिया गया है कि अब मेरा कुछ बोलना इतनी जल्दी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पर अगर मुझे चीज़ों को सामने लाना पड़ा, मुझे प्रूफ रखने पड़े, तो मैं ज़रूर से वीडियो में रखूँगी। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि अगर फिर भी अभी अटैक किया जाता है, फिर भी अगर अभी मुझे किसी भी तरीके से मानसिक प्रताड़ित किया जाता है या मेरी मेरे लिए कोई वीडियो लाई जाती है, तो मुझे प्रूफ रखना पड़ेगा और वो मैं ज़रूर से लगूंगी। पर ये जो वीडियोस हैं इनका सिलसिला ऐसे ही चलते रहे मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि मुझे किसी भी बात को ऑन कैमरा नहीं बढ़ाना है। जो भी चीज़ें होंगी ऑफलाइन होंगी, और हमारे हिसाब से जैसा हम कर रहे हैं मुझे लगता है वो सही है, वो ज़्यादा बेहतर है। ऑन कैमरा वीडियो वीडियो मुझे नहीं खेलना है, बस।